नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अच्छे दिनों का दावा करने वाली सरकार की पोल एनएसओ की एक रिपोर्ट से खुलती नजर आ रही है, जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था पर मंदी की दस्तक का अंदेशा है, तो वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इस रिपोर्ट में उपभोक्ता खर्च में भी भारी मात्रा में गिरावट आई है, यानी कि अगर माल कम खरीदा जाएगा तो उसका उत्पादन भी कम होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता खर्च में दशकों में पहली बार इतनी कमी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट को एनएसओ ने जारी नहीं किया है, जिस पर सरकार ने तर्क दिया है कि 2017-18 उपभोक्ता खर्च का डेटा सही नहीं होने की वजह से रिपोर्ट को रोका गया है। मीडिया में लीक हुई एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 1973 के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2017-18 में देश में उपभोक्ता खर्च में कमी आई है। जानकारों की माने तो उपभोक्ता खर्च में कमी इस बात का संकेत है कि देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतवासियों के महीने के औसतन खर्च में 3.7% की गिरावट आई है। इस तरह की गिरावट 40 साल में पहली बार दर्ज की गई है। जो व्यक्ति 2011-12 के महीने में 1501 रुपए खर्च करता था, वो 2017-18 में 1446 रुपए ही खर्च कर पा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में ग्रामीण भारत की हालत सबसे बदतर है। गांवों में उपभोक्ता खर्च में 8.8% की गिरावट आई है। हालांकि गांवों के मुकाबले शहरों की हालत कुछ बेहतर है। पिछले 6 सालों की बात करें तो शहरों में उपभोक्ता व्यय में महज 2% की बढ़त हुई है। जानकारों का कहना है कि उपभोक्ता व्यय में गिरावट देश में गरीबी बढ़ने का संकेत है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आई है और इसके लिए ग्रामीण बाजारों में मांग की गिरावट जिम्मेदार है। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार पर इस रिपोर्ट को छुपाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़े एकदम दुरुस्त हैं, तो मंदी की आहट जल्द ही हकीकत में तब्दील हो जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।